लुधियाना से ये बड़ी खबर, ग्यासपुरा इलाके में जहरीली गैस रिसाव की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर। बताया जा रहा है सुबह करीब 7 बजे ये हादसा हुआ, सड़क के किनारे नाले से अचानक गैस का रिसाव होने लगा, उसकी चपेट में आकर 11 लोगों की जान जा चुकी। मरने वालों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मरने वालों में 5 महिलाएं 2 बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी राहत और बचाव का काम युद्धस्तर पर चलता हुआ, जहरीली गैस रिसाव के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है सुबह करीब 7 बजे ये हादसा हुआ, सड़क के किनारे नाले से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बता दीजिए, इस गैस ट्रेजेडी में कुल कितने विक्टिम हैं और कितने की डेथ हुई है? 11 की डेथ हुई है, 11 विक्टिम है और 4 अस्पताल में दाखिल हैं, वो आउट ऑफ डेंजर है। तो जिनकी डेथ हुई है वो वहीं पर डेथ हो गई थी, इंस्टेंट डेथ हुई है उनकी, मतलब इसका मतलब गैस बहुत पॉइजनिंग थी। किस तरह की गैस थी सर, आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, क्या कारण हो सकता है लीकेज का और कहां से लीक हुई है? वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, सो इंडस्ट्रियल गैस तो नहीं लगता नहीं है, और लेकिन वहां पे सीवरेज का एक जो मैन होल है उसके पास, तो उसकी मतलब लग रहा है कि सीवरेज से गैस आई है, बड़ा अनयूजल सा है, लेकिन वही लगता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई ऐसी पॉइजनस गैस है। और लोग अपने घरों में थे, मतलब वो सीवरेज के पास नहीं थे, थोड़ा दूर ही है, मतलब उसके 50 मीटर या 100 मीटर, तो वहाँ तक मार हुई है। जो आसपास के 3-4-5 घर हैं वहीं पर हुआ, और 2 परिवारों से ज़्यादा नुकसान हुआ, 3-4 परिवार टोटल हैं जिनमें हुआ। तो एग्जैक्टली ये हादसा कब हुआ सर, और पहले विक्टिम कौन थे? जो सर्वाइवर है, मेरी उनसे बात हुई है, वो सुबह 7 बजे का कह रहे हैं, मतलब ना जी, हो सकता है उससे आधा घंटा पहले हुआ हो, लोग सो रहे थे अभी सुबह, मतलब सुबह सुबह हो गया। इससे पहले भी कह रहे हैं नवंबर में इस तरह का हादसा हुआ था सर, क्या प्रिकॉशंस लिए जाएंगे फ्यूचर के लिए? जो पहले था वो शायद एक इंडस्ट्री से रिलेटेड था, उसके लिए भी प्रिकॉशन करते हैं, इंडस्ट्री का सारा ऑडिट करते हैं, इसका भी ऑडिट करेंगे भी क्यों हुआ, आगे से ना हो उसके लिए क्या किया जाए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसके लिए रेमेडियल मेजर्स भी लेंगे जी उसके। जो सर्वाइवर्स हैं सर, उनकी कंडीशन क्या है, और इस हादसे में जितने भी विक्टिम हैं उनको सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? हाँ, जो अभी दाखिल हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बात करके आया हूँ, पूरी तरह से वो तंदुरुस्त हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो देखो, जो सरकार की मदद ये होती है कि जो परिवार है उनके साथ, एक तो जैसे हमने एक्सक्रेशिया का हो गया अनाउंस, और जो परिवारों की मदद है, जो वो कहेंगे उसके लिए बाद में जो वो भी करेंगे, सरकार हर तरह से उनकी मदद करेगी, हमारी पूरी हमदर्दी हमारी, और मुख्यमंत्री साहब ने मुझे इसीलिए जहाँ भेजा है कि आप जाके उन परिवारों से मिलके उनको रीअश्योर करके आओ कि हाँ सरकार उनके साथ है, हम हर संभव कोशिश करेंगे उनके। मंजीत सहगल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, ये आखिर हादसा हुआ कैसे, ऐसी कौन सी गैस के रिसाव हुआ जिसकी वजह से 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, अभी तक जांच जो भी हुई है उससे क्या सामने आ रहा है? देखिए अर्पिता, जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह सामने आया है कि जो गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो आई विटनेसेस हैं उनके मुताबिक ये गैस गटर से निकल रही थी, और कुछ एक आई विटनेसेस ने तो ये भी कहा है कि गटर से कुछ धुआं जैसा भी दिखाई दे रहा था। और वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह भी ये साफ कर चुके हैं कि क्योंकि ये इंडस्ट्रियल गैस नहीं है और ये गटर की ही गैस हो सकती है, इसकी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, और इस गैस के सैंपल वहाँ से उठाए गए हैं घटनास्थल पर। इसमें अब तक 11 लोग मौत के मुँह में चले गए, जहरी गैस इतनी ज़्यादा जहरीली थी कि सीधा दिमाग पर असर कर गई, फेफड़ों पर भी नहीं किया, और जो व्यक्ति थे वो घटनास्थल पर ही उनकी ज़्यादातर मौत हो चुकी थी। 4 सर्वाइवर्स अभी बचे हुए हैं, 2 को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, वो आउट ऑफ डेंजर हैं। और वहीं सरकार ने अब उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है, जो इस घटना में मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये का, उनका इलाज भी निःशुल्क होगा। और इस त्रासदी में जो एक परिवार के 5 सदस्य चले गए हैं अर्पिता, और इसमें एक डॉक्टर है, उनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं, और दूसरी फैमिली के भी कई सदस्य हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब से बाहर आकर यहाँ पर बसे थे, और वही विक्टिम इस गैस कांड के हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत, तमाम जानकारी के लिए।